अरे अरे अरे, आपको पता है क्या, जो पिछले वीडियो में मेरे दोस्त कहर सिंह जी कार लेने गए थे ना, वो इसलिए ले रहे थे ताकि इस बार अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके जा सकें। पर पता है दिक्कत क्या है, उनकी गर्लफ्रेंड ठहरी दिल्ली की फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली लड़की। अब ऐसे में भाई कहर सिंह जी को ड्राइविंग वोकैबुलरी सिखाना तो बनता है ताकि उनकी गर्लफ्रेंड उनसे इम्प्रेस हो जाए। मैं तो चली सिखाने, आप भी साथ चलोगे? अब भाई कहर की गर्लफ्रेंड ने उसके केयर की तो वो ये तो नहीं बोलेगी कि ओ जी सीट बेल्ट लगा लो, वो ये बोलेगी कि पुट ऑन योर सीट बेल्ट या फिर स्ट्रैप ऑन योर सीट बेल्ट। सीट बेल्ट लगा लेने के बाद जो दूसरा काम होता है वो होता है हैंड ब्रेक को हटा देना, पर इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिसएंगेज योर हैंड ब्रेक या डिसएंगेज योर इमरजेंसी ब्रेक। इज इट क्लियर? जब आपकी कार पार्किंग में लगी होती है तब उसे पार्किंग में जब पीछे करके निकालते हैं तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है पुल आउट द कार। पुल आउट द कार मतलब पार्किंग में लगी हुई कार को निकालना। अब भाई इमेजिन कीजिए कि अगर रेस्टोरेंट के रास्ते में आपको अपना एक फ्रेंड मिल गया और उसने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो भाई बाजू में तो गर्लफ्रेंड बैठी है ना, उसे इम्प्रेस करने के लिए आप इंग्लिश में जवाब देंगे। उसका जवाब होगा आई एम हेडिंग टू द रेस्टोरेंट, आई एम हेडिंग टू द रेस्टोरेंट। आर नेक्स्ट वर्ड इज स्लैम ऑन द ब्रेक्स। स्लैम ऑन द ब्रेक्स का मतलब होता है जब आप बहुत स्पीड से जा रहे होते हैं पर किसी इमरजेंसी की वजह से आपको सडनली फोर्सफुली ब्रेक लगाना पड़े, तो उस कंडीशन को बोलेंगे स्लैम ऑन द ब्रेक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार से जा रहे हों और अचानक से सामने एक बच्चा आ गया हो तो आप बोलेंगे आई स्लैम्ड ऑन द ब्रेक व्हेन आई सॉ अ चाइल्ड रनिंग ऑन द रोड। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पुल ओवर। ये वो पुल ओवर नहीं है जो आप ठंड में पहन के बहुत ही कूल लगते हैं, बल्कि इसका मतलब है चलती हुई गाड़ी को रोड के साइड में स्टॉप कर देना। चलती हुई गाड़ी को रोड के साइड में स्टॉप कर देना। तो भाई कहर सिंह ने तो बहुत अच्छे से ड्राइविंग वोकैबुलरी सीख ली। अगर आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वेट क्या कर रहे हैं यार, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मैथ्स डैडी को।